दोस्तों डीडी फ्रेडिस पर नए टीवी चैनल ऐड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपने सेटअप बॉक्स में डीडी फ्रेडिस के नए चैनलों को ऐड नहीं कर पाए हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को डीडी फ्रेडिस के MPEG2 बॉक्स में नए चैनलों को ऐड करने का तरीका बतलाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं साहिल फ्रेडिस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों डीडी फ्रेडिस पर नए चैनल्स ऐड हो चुके हैं। अगर आपको ऐड करने की प्रक्रिया मालूम करनी है तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको आना है अपने सेटअप बॉक्स के मेन इंटरफेस पे मेनू में। दोस्तों यहाँ पर हम प्रोग्राम सेटअप में आएंगे। प्रोग्राम सेटअप में दोस्तों हम ऐड न्यू प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में 9750 ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों हमें फिर 97 शुरुआत में आपको 0 लगा लेना है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है दोस्तों 10700। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम सिंबल रेट 29500 ऐड करेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे दोस्तों और 22 के ऑन करेंगे, हमारे पास सिग्नल आ जाएगा। बिल्कुल नई फ्रीक्वेंसी है, आप अपने सेटअप बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और मैं ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नए तरीके से नई फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ। इसे ओके करेंगे दोस्तों 20 चैनल्स के आसपास में आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिग्नल चला गया। खैर दोस्तों सिग्नल चला गया, नो प्रोग्राम फाउंड आ गया, हम इसे यहाँ पे छोड़ते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी को अभी आगे ऐड करेंगे, आप लोग देखिएगा। फिर ऐड न्यू प्रोग्राम में आते हैं और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर 0 97 50 ऐड करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे 11090, उसके बाद 2950, उसके बाद भी यहाँ पे करेंगे और इसे ओके करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास चैनल आ जाएंगे। अब दोस्तों हम अपनी वो पुरानी फ्रीक्वेंसी जो अभी हमारी सिग्नल नहीं आ रहे थे उसे ऐड करने जा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सिग्नल नहीं आया तो हम अभी आगे आप लोगों को फिर से ऐड करके दिखाएंगे इस फ्रीक्वेंसी को, पक्का इस पे चैनल आएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 11170 ऐड करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 18 चैनल रिसीव हो जाएंगे। दोस्तों फिर हम अगली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं 11470। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे पास 18 चैनल रिसीव हो जाएंगे। ये देखिए 18 चैनल हमारे पास रिसीव हो गए। अब अगली फ्रीक्वेंसी दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं 11550 और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 20 चैनल ऐड होंगे। तो हम इस पर सबसे पहले 11510 वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं, नंबर वाइज ऐड करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सारी फ्रीक्वेंसी वो ऐड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब दोस्तों हम आपको अगली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऐड करके दिखाते हैं 11550 और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि हमारे पास 20 चैनल ऐड हो जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों 20 चैनल ऐड हो चुके हैं। अब दोस्तों फिर हम अपनी वो पुरानी वाली यानी जो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमने ऐड किया था उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सिग्नल हमारे पास आ गया, फिर आ गया, देख लो 22 के ऑन करना है आपको और इसे ओके करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए फिर क्या मैटर है, सिग्नल आकर चला जा रहा है। तो दोस्तों एक बार और हम इस पर ट्राई करेंगे और 22 के ऑन करते हैं और यहाँ पर 10780 यहाँ पर मैंने डाला और सिग्नल तो मुझे मिल गया है, लेकिन दोस्तों हमारे पास ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर देखते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारे पास इस पर सिग्नल तो आ रहा है लेकिन दोस्तों ये स्कैनिंग पर हमारे पास नहीं आ रहा है चैनल। एक बार और स्कैन करते हैं, ये देखिए फिर हमारे पास सिग्नल चला गया। दोस्तों आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग इस फ्रीक्वेंसी को अपने सेटअप बॉक्स में डालकर जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी डाली थी वैसे डालकर आप लोग हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पास कौन से नए चैनल आए और कितने टीवी चैनल आपने आपके बॉक्स में अभी ऐड हुए हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। मिलेंगे हम आप लोगों से अगली शानदार वीडियो में।